लोग कैसे हो सभी लोग। तो आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। मेरी नेक्स्ट वीडियो आपने देखी थी, मैंने माइक्रोफाइबर कॉटन के बारे में आपको बताया था कि वो किस तरह से आपकी गाड़ी को पूरी तरह से क्लीन और साफ़ करता है और क्रैच से भी बचाता है। तो आज मेरे पास ये वैक्स है और ये वैक्स जो है ये मोटोमैक्स क्रीम पॉलिश है ये, और इसको हम यहाँ बोनट पे अप्लाई करेंगे और मैं आपको बताऊँगा क्रीम वैक्स है तो इसके क्या बेनिफिट्स है और आपकी गाड़ी को ये कैसे क्रैच और धूप की यूवी रेजेस से बचा पाएगा। तो आपको पेंट को भी ये जो वैक्स है हमारा प्रोटेक्ट करेगा, जो उस जिस वजह से जो हमारा पेंट है वो ख़राब नहीं होगा, गाड़ी हमारी क्यों ना धूप में खड़ी हो। तो चलो इस वैक्स को मैं आपके सामने ही लगाता हूँ और सही तरीका बताता हूँ किस तरह से इस वैक्स को हमारी गाड़ी के सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और एंड तक देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक करना और चैनल को तो सब्सक्राइब करके ही आपको जाना है, बिल्कुल जाना है। चैनल को सब्सक्राइब करके ही आपका सपोर्ट ही मुझे इस तरह की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन करता है। तो चलो आगे दिखाता हूँ मैं आपको इस वैक्स को मैं किस तरह से अपनी गाड़ी के बोनट पे ऊपर लगाता हूँ। ये मैंने डब्बा खोल लिया है और यहाँ पर देखिए इसमें बिल्कुल क्रीम जैसा ही वैक्स निकला है। तो मैं फिलहाल यहाँ पर रखता हूँ और ये पंच निकला है अंदर से। तो अभी हम क्या करेंगे, इस ये जो पंच है इसको हम वैक्स में डुबा इस तरह से ऐसे कर देंगे। मेरे एक हाथ में कैमरा है इस वजह से मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे करके कर देंगे और वैक्स हमारा आ गया इस पंच के ऊपर। और ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी की सरफस है वो बिल्कुल क्लीन हो, ज़रा भी उसमें धूल मिट्टी ना लगी हो जब कभी भी आप वैक्स का इस्तेमाल करें तब। अभी मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा बोनट को, यहाँ से पूरा यहाँ तक। तो हमें राउंड शेप में ही करके जाना है वैक्स को, उसकी पूरी प्रोसेस होती है वैक्स करने की। तो अभी मैं वैसे ही करूँगा, आप वीडियो देखना पूरा। देखिए इस तरह से आपको वैक्स को लगाते जाना है, देखो मैं लगा रहा हूँ ना वैसे। ऐसे ऐसे राउंड शेप में हमको घुमाते जाना है वैक्स करते टाइम इस तरह से, और एक ही डायरेक्शन में ऐसे करते जाना है। तो मैं अभी पूरी गाड़ी में लगा देता हूँ, फिर मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। और मैंने पूरे ही बोनट पे अभी वैक्स लगा दिया, इस तरह से लगा देना है आपको, मैंने आपको बताया वीडियो में भी इसी तरह से। देखिए मैंने लगा दिया है वैक्स को जी। देखिए मैंने वैक्स को पूरी गाड़ी के बोनट पे अप्लाई कर दिया है, और ये वैक्स क्रीम टाइप है तो इसी तरह से लगता है। और आपको लगाने के बाद यानी कि 5 मिनट रुक जाना है और फिर असल काम फिर चालू होता है। अभी आपको क्या करना है, एक माइक्रोफाइबर कॉटन या क्लॉथ ऐसे ले लेना है और इससे आपको रबिंग करनी है। क्या करनी है आपको, रबिंग करनी है। देखो मैं कर रहा हूँ वैसे, आपको ऐसे ऐसे राउंड राउंड शेप में आपको करते जाना है। अब धीरे धीरे हल्के हाथों से आपको इस तरह से वैक्स के ऊपर ऐसे घुमाते जाना है। मैं आपको पूरी गाड़ी में अभी दिख करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है इस वजह से। हमने कर दिया है पूरे सरफेस को साफ बोनट को मैंने, और आप चमक देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ फोकस थोड़ा बहुत कैमरा को करता हूँ, देखिए अब एकदम स्मूदनेस सी आ गई सरफेस पे। यानी कि अब धूप वगैरह जब पड़ेगी गाड़ी के ऊपर तो इतना ज़्यादा हमारा कलर है वो डैमेज नहीं होगा, कहीं ना कहीं कलर है वो हमारा बचा रहेगा, इतनी ज़्यादा ख़राब भी नहीं होगा वैक्सिंग करने की वजह से। इस गाड़ी में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी वगैरह भी लग सकती है थोड़ी बहुत, क्योंकि ये क्रीम वैक्स है तो इसकी वजह से इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी ये नहीं लगेगी, लेकिन जो लिक्विड वैक्स होता है वो थोड़ा ज़्यादातर धूल और मिट्टी को खींचता है, ये इतनी जल्दी नहीं खींच पाएगा और आपको ज़्यादा साफ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साफ़ ऐसे करोगे तो पूरी धूल मिट्टी जड़ जाएंगी बिल्कुल आराम से। तो एक कैसी लगी है वीडियो, अच्छी लगी हो तो ज़रूर से इस हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मैं इसी तरह